सीरियल चंद्रनंदिनी के बीते एपिसोड में आपने देखा होगा कि किस तरह से जिस हल्दी को चंद्र पर लगाया जा रहा था उस हल्दी में विष मिले जाने की बात को लेकर एक सैनिक को घेर लिया गया। अचानक से वो सैनिक दरबार से भागने की कोशिश करता है कि तभी जाकर बाकी अन्य सैनिक उसे धर दबोचते हैं। वहां पर चंद्र आता है और वो कहता है कि इसी सैनिक ने मिलाया था हल्दी में जहर और इस सैनिक को भेजा था नंदिनी के पिता महाराज यानी कि नंद ने। इस बात को चंद्र विशेष कर नंदिनी को सुनाना चाहता है, इसलिए वो तब तक चुप रहता है जब तक नंदिनी वहां नहीं पहुंच जाती। इसके साथ ही नंदिनी को सुनाने के बाद चंद्र का जो एक्सप्रेशन था उसे देखकर तो हमें यही लगता है कि ये सारा ड्रामा खुद महाराज चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा रचा गया था, जिसमें वो सैनिक जानबूझकर उन्हीं के इशारे पर वहां से दौड़ा था ताकि वो विशाखा को ये सिद्ध कर सकें कि इस वाक्य के बाद भी नहीं करता है कोई विशाखा पर कोई शक, जबकि पूरा शक आज भी नंद के ऊपर और नंदिनी के ऊपर किया जा रहा है। विशाखा इससे और भी ज्यादा रिलैक्स्ड हो गई है, उसे लगता है कि अब चंद्र को मार गिराना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ कहानी में कितना बड़ा झोल है इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। खैर, आप जुड़ जाइए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इसके साथ ही अगर ये एक्सप्रेशन वाली भाषा से आपको भी थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट के जरिए शेयर कीजिए। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट।